हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गेमिंग चैनल गेमिंग औरा में। और आज की वीडियो कोई एक अपडेट वीडियो नहीं है, ये एक चैलेंज वीडियो है। तो मैंने जैसे कि आपसे कुछ टाइम पहले हमारे कम्युनिटी पोस्ट में कुछ चैलेंजेस मांगे थे और उसमें से इस चैलेंज को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले, काफ़ी ज़्यादा लाइक मिले, तो मैंने सोचा चलो इस चैलेंज को कम्प्लीट किया जाए। तो यहाँ पर ये चैलेंज सिंपल ये है कि भाई यहाँ पर मेरे को पूरी गेम के अंदर जो लूट होगी, जो भी मेरे वेपन होंगे, जितना भी सामान होगा, एयर ड्रॉप, सब कुछ, मतलब जितना भी ए टू जेड मेडिकेट से लेकर सब कुछ, वो एनिमी का यूज़ करना है। और जैसे मैं नया एनिमी किल करूंगा, पुराने एनिमी का गिरा करके नया एनिमी को उससे ले लेना है। तो फाइनली मैं उतर चुका हूं, यहां पे है हमारे सामने एक एनिमी, तो पहले इसको कर देते हैं हम लोग किल। तो यहां पे पड़ा इसको एक हेडशॉट और इससे ले लिया मैंने सामान, यहां पे आप लोग देख ही सकते हो। और यहां पे सामने एक और बंदा उतरता हुआ मेरे को आवाज आ रही है, अब कौन उतरा यहां पे? हां जी, यहां पे एक प्लेयर है, तो इसको दे दे नीचे फटाफट गोलियां। तो यहां पे इसके हाथ में है स्पास्ट वेल और पड़ी यहां पे हमारे ड्रैगन एके से गोली और यहां पे कर दिया मैंने इसको किल। तो काफी सही है यार भाई, यहां पे सच बताऊं तो ड्रैगन एके काफी ज्यादा ओपी है। बट हां, आपको अगर एक स्पास्ट वेल के ऊपर एक ट्रिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो चाहिए तो भाई मैं उसके लिए एक वीडियो बना भी सकता हूं, क्योंकि भाई स्पास्ट वेल को जितना हम लोग अंडर रेटेड करते हैं या फिर उसको हम लोग नहीं समझते कुछ, उतना ही ज्यादा वो ओपी वेपन है। तो फाइनली यहां पे मैं अपना झंडे अंडे गाड़ करके निकल चुका हूं, अब देखते हैं आगे कौन मिलता है। तो यहां पे एक बार राउंड मार के आना चाहिए मेरे ख्याल से, नीचे जाना चाहिए। बट हां, ऊपर की साइड में भी यहां पे हमारे ब्राजीलिया के साइड में भी काफी सारे प्लेयर्स होंगे, तो पहले उनको किल कर देना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे अभी आवाज़ जैसी आ रही थी इस साइड से, तो इसी साइड चलना चाहिए, यहाँ पे नहीं, नीचे की साइड से आवाज़ आ रही है। पर हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक प्लेयर है इस ब्लैक हाउस में, बगल वाले ब्लैक हाउस में। अब देखते हैं, नीचे फाइट चल रही है, यहाँ पे नीचे वाली साइड में चलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर ये चैलेंज पसंद आएगा, तो ऐसी और चैलेंजेस मुझे कमेंट बॉक्स में देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं लाइक के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ, पहले यहाँ पे किल कर देता हूँ इनको। तो यहाँ पे अभी डैमेज बंदा होगा, तो यहाँ पे पड़े स्पास्ट 12 के दो शॉट और बंदा खत्म। आप देख सकते हो मैंने बोला ना, स्पास्ट 12 काफी ज्यादा ओपी है। तो फटाफट मैं इनकी लूट ले लेता हूँ और यहाँ पे लूट ले लेता हूँ भाई, जो भी लूट मिले, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता चलना मेरा एनिमी कौन सा है, किस कौन सा पहले मरा हुआ था, तो मैं दोनों की लूट ले लूंगा। तो यहाँ पे यही चैलेंज है कि भाई मुझे दोबार बार लूट चेंज करनी है। मतलब ऐसा नहीं है, कई बार हम लोग गेम कैसे खेलते हैं नॉर्मली कि अच्छी अच्छी लूट इकट्ठी करते हुए जाते हैं, बट मुझे क्या करना है, पुरानी लूट को हटाना है और नई लूट लेनी है। और पुरानी लूट चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके अंदर ड्रैगन एक ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर मुझे नई लूट लेके सच चलना है। और यहाँ पे फाइट चल रही है, तो यहाँ पे मुझे फायदा उठाना चाहिए थर्ड पार्टी कर करे। और यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें एक बंदा पेड़ के पीछे निकला, काफी अच्छा डैमेज, काफी अच्छी शुरुआत है, वो भी काफी ज्यादा डैमेज होगा, काफी ज्यादा डर करके बैठा होगा कि कहीं आकर के मुझे प्लेयर मार ना दे। तो यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लैशबैंग मारना काफी अच्छी पॉलिसी रहेगी, क्योंकि भाई वो अंधा हो जाएगा, बाहर निकलेगा। पर उसने टाइम पे ग्लू वॉल लगा दी, लोल, इतना हरामी प्लेयर कौन हो सकता है भाई, ये इसका नाम जरूर पढ़ूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे पड़ा एक ड्रैग, और यहाँ पे क्या नाम है इसका, निंजा नाम था आई थिंक सो, मैं नाम पढ़ना भूल गया, बट हाँ ये ड्रैग पड़ा और यहाँ पे खत्म बंदा। देख लो, मेरे पास ये भी पड़ी थी यार, मेरा दुख हो रहा है भाई, ग्रोजा पड़ी थी, ग्रोजा भी गिरानी पड़ी, बट झंडे गाड़े में ना नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट मैं जाकर उसकी लूट ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी हम लोग ओपन में लूट लेने के लिए जाएंगे, तब जाके बहुत ज्यादा डर रहता है कि आसपास का कोई एनिमी मार ना दे हमें। तो यहाँ पे फटाफट मेरे को लूट मिल चुकी है, और मेरी कोशिश यही है कि भाई इस गेम के अंदर मुझे कम से कम 6 किल मारने, और 6 किल मार के अगर बुइया हो जाए तो बहुत अच्छा, अगर 6 किल मार दे तो भाई हमारा जो चैलेंज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कम से कम 6 किल तो मार के जाने। और हाँ, आपको इस वीडियो में पूरे 5000 लाइक्स करने यार, बहुत छोटा लाइक है। हम लोग पहले के दिनों में, मतलब आज से एक दो महीने पहले, तो यार 15-15 हज़ार लाइक्स यार दो तीन तीन घंटे में कर देते थे, बट यार आप तो 5000 लाइक्स के मांगे गए, बस 5000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। और हाँ, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, अपडेट वीडियोस के लिए, ऐसी चैलेंज वीडियोस के लिए, काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं आजकल, तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। 2,25,000, मतलब 2,45,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है क्या, कहाँ दिमाग जा रहा है मेरा। सामने नीचे गोलियों की आवाज़ सुन रही है, शायद उसी तरफ को मेरा ध्यान है, और यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ उनको मारने के लिए। अब देखते हैं उनको क्या हम लोग मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे। बाकी लड़ाई झगड़ा तो काफ़ी चल रहा है, बट मेरे हाथ में है MP40, और MP40 पता है आपका भाई, MP40 हाथ में आने के बाद एकदम ओपी हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, MP40 स्प्रे पड़ा और बंदा पूरी तरह से खत्म। तो यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी सारी की सारी लूट गिराऊंगा यार, MP40 गिराते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर गिरानी पड़ेगी, क्या करें। और ये हमारी ये स्कारल भी चलेगी, मतलब कपिड स्कार भी चलेगी, और इसके यार देख लीजिए यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा एनिमी का सारा का सारा सामान। डर है क्योंकि ऊपर एक गोली चल रही थी, शायद वो बंदे मेरी गोलियों की आवाज़ सुन के यहाँ ना आ गए हो, बट मैं दोनों के दोनों एनिमीज के उठाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे एनिमी की कौन सी लूट है, उस एनिमी की कौन सी लूट है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दोनों के दोनों एनिमीज की लूट को उठाऊंगा और यहाँ पर उनके सामान को उठा करके आगे बढ़ूंगा। बट अभी डेंजर जोन है तो थोड़ी देर अंदर बैठना चाहिए, और यहाँ पर देखते हैं डेंजर जोन को पहले निकलने देते हैं। हाँ जी, डेंजर जोन हमारा खत्म हो चुका है, मैंने यहाँ पर लगाई लैंड माइन और निकलते हैं अब यहाँ से फटाक से गोली में पहली फुर्सत में। तो यहाँ पर मैं निकल चुका हूँ, अब यहाँ पर आगे देखते हैं आगे कोई एनिमी मिलता है नहीं मिलता है। बाकी यार अगर आपको
चैलेंज पसंद आ रहा है, देख लिया मैंने 5 किल कर दिए, अभी हमारे मात्र 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मैंने 5 किल कर दिए, तो यार इसके लिए एक लाइक तो जरूर से जरूर करना यार, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ज़्यादा जरूरत है आप लोगों की सपोर्ट की इस बार। तो यहाँ पे ऊपर मैंने गोली चलती हुई आवाज़ सुनी, तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर निकल जाते हैं, चलो देखते हैं आगे ऊपर कौन है, कौन सा वो प्लेयर है जो हमें ऊपर जाके परेशान करेगा। तो यहाँ पर ऊपर मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कोई फर्स्ट फ्लोर पे, जी हाँ यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, देखते हैं आगे ये हमारा क्या कर सकता है, ठाकुर तो हमारा क्या कर सकता है। ग्लूवा लगाने की बहुत अच्छी पॉलिसी होगी ताकि वो हमें यहाँ से ना मार दें, क्योंकि मुझे लग रहा है वो इसी रूम के अंदर कैद हो चुका है, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से वहीं पर ही कैद हो चुका है, अगर कैद नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ कैद हो चुका वो बंदा वहीं पर ही, अब उसको मारेंगे हम लोग यहाँ पे एम लेकर के, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अगर ये मुझे थोड़ा बहुत भी हेड दिखाता है तो मैं इसको पक्का हेड देने की कोशिश करूंगा हमारी MP40 से। और बताना चाहूंगा ब्लू वाली MP40 बहुत अच्छी आर के इनक्यूबेटर में, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लेना यार जरूर से जरूर, क्योंकि भाई ये वाली MP40 मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, और इससे पहले मैं मैगल MP40 यूज़ करता था वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ यहाँ पे एम लेकर के बैठ जाता हूँ, जैसे मुझे हेड दिखाएगा वैसे क्लिक करूंगा, मेरे ख्याल से ये हेड दिखाएगा, तो देखते हैं क्या हमें हेड दिखाता है। जी हाँ इसने हेड दिखाया, मैंने यहाँ पे दिया एक बहुत प्यारा स्वीट सा हेडशॉट, तो यार यहाँ पे बहुत प्यारा हेडशॉट पड़ा, बंदा यहाँ पे खत्म यार, बहुत सही, आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक सो, मैंने काफी पेशेंस के साथ संभाला। और यहाँ पे नीचे एक बंदी की आवाज आ गई, तो मुझे यहाँ पे अभी मैं चेंज करने के लिए जा रहा था यहाँ पे अपने वेपन्स को, बट यार उसके लिए थोड़ा सा मुझे फाइट लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे पहले से मैं प्रिपेयर हो जाता हूँ उस बंदे के लिए, क्योंकि भाई मैं वेपन चेंज करने के लिए जा ही रहा था, बट इस बंदे ने आके काम बिगाड़ दिया, तो थोड़ा सा हमें होल्ड करना पड़ेगा, इसी वेपन के साथ खेलना पड़ेगा ताकि हम लोग लूट करते करते हमको मार ना दे, क्योंकि भाई मैं लूट करते टाइम पे सब कुछ गिराऊंगा, और सब कुछ गिराते टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ये बंदा काफी ज्यादा घूम रहा है, तो इसको मैंने चकमा तो दे दिया है, बट मुझको लग रहा है अभी वहीं पर हूँ, लोल उस बंदे को लग रहा है मैं उस साइड था, अरे वाह क्या पागल बनाया इसको यार, मजा आ गया। तो ये इस घर के अंदर निकल गया ये बंदा, चलो इसको देते हैं हम लोग फटके झटके, तो MP40 के शॉट्स खाओ थोड़ी देर बेटा, और यहाँ पे MP40 के शॉट्स खा करके हम थोड़ी हील मार लेते हैं, वहाँ पे एक बंदे की और आवाज़ आ रही थी जैसे वो हमको फायर कर रहा था, तो अभी हम लोग फटाफट अपने वेपन्स गिराते हैं और उसके बाद इसके वेपन्स ले लेते हैं, तो जितने वेपन्स है सारे के सारे गिरा दो, सब कुछ गिरा दो, देखो मेरा बैकपैक पूरा खाली हो चुका है, 0% पे आ चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग उठा लेते हैं अपना सारा कुछ, और यहाँ पे जितना भी चीज़ें सबकी सब चीज़ें उठा लेते हैं, इससे कितनी चीज़ें मिलती हैं देखते हैं इससे क्या क्या मिलता है, फालतू का सामान बहुत ज़्यादा है इसके पास, तो यहाँ पे मैंने उठा लिया सबका सब कुछ। लैंडमाइन मिल गई है, तो लैंडमाइन का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छा यूज़ करना चाहिए, और यहाँ पे मैंने ले ली लैंडमाइन, और किसी की आवाज़ आ रही है यहाँ पे मुझे, जी हाँ यहाँ पे कोई बंदा आ चुका ऑलरेडी, मेरी आवाज़ सुन करके कोई बंदा ऑलरेडी आ चुका है, देखते हैं कि वो बंदा क्या करता है अभी, तो अभी तो मेरा यहीं पर ध्यान है कि उस बंदे को पहले हील मार लेता हूँ, क्योंकि उस बंदे से फाइट लेना गलत है, वैसे भी साथ मेडिकेट है तो हील तो मारेंगे ऑफकोर्स सी बात है यार, ऐसे तो करेंगे ही करेंगे। और हाँ अगर आपको चैलेंज पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, और हाँ इस चैनल के रिगार्डिंग ना मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी, मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने 15-20 गेम खेले, अगर आप लोग चाहते हो कि यार यहाँ पे मैं उस चैलेंज में जितनी भी गलतियाँ करी हैं उनको मैं दिखाऊं आप लोगों को, उसमें बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे हेडशॉट मारे मैंने, ऐसे ऐसे हेडशॉट आप खुद बोलोगे भाई बहुत मस्त हेडशॉट मारे, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको सेकंड चैनल पे उसके एक मॉन्टेज पक्का डालूंगा, काफी अच्छा मॉन्टेज थी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना, और हाँ नेक्स्ट चैलेंज को भी कमेंट करना ताकि मैं उस चैलेंज को कंप्लीट कर सकूं, और इसको पड़ा एक बहुत प्यारा हेडशॉट, कौन कहता है कि मुझे शॉटगन चलानी नहीं आती यहाँ पे देख लो मतलब लोल मजाक कर रहा हूं, मेरे को शॉटगन चलानी सच में नहीं आती है गाइस, तो यहाँ पे मैंने शॉटगन से फिर भी किल कर दी है, और अभी देख रहे हो पास्ट 12 भी अच्छी चलाई और ये भी अच्छी चलाई, ये वाली शॉटगन का मुझे नाम भी याद नहीं रहता, पता नहीं कैसा इंसान हूं मैं, क्योंकि मैं शॉटगन यूज नहीं करता हूं, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ टोटली खाली कर दिया है, इसके पास चलते हैं, इसके पास ले लेते हैं सारी की सारी लूट, क्या मिलेगा हमें देखने को क्या मिलेगा। और गाइस सच बताओ ना गेम खेलते खेलते बात करना बहुत मुश्किल होता है, आप खुद देखना कभी बात करते करते, मेरे लिए स्ट्रीम करना भी काफी मुश्किल होता है, और सैल्यूट उन स्ट्रीमर्स को यार जो बंदे इतना ज्यादा मतलब हाँ अलग चीज है भाई कि जो इतना ज्यादा आपको एंटरटेन भी कर देते हैं और साथ साथ बात भी कर लेते हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि भाई एक फोकस होता है ना बंदे का काफी ज्यादा बिगड़ता है, और मेरे साथ यही चीज देखने को मिलती है कि मैं स्ट्रीम पर बात करता करता रह जाता हूं और मैं कई बार मर जाता हूं, तो लो वही सिचुएशन अभी भी हो रही है, बट अपने को तो आदत है, और मैंने ये सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं लिख दिए आज 4,45,000 सब्सक्राइबर्स आई थिंक से मैंने ज्यादा लिख दिया भाई 2,45,000 सब्सक्राइबर्स यार 4,00,000 क्यों लिख गया लोल तो गाइस कर देना सब्सक्राइबर बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और यहाँ पे निकलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे कोई एनिमी है या नहीं है, क्योंकि जोन तो उसी साइड बन रहा है हमारे एक सेंट्रल की तरफ को, तो यहाँ पे झंडे गाड़ के निकलेंगे गाइस, तो झंडे गाड़ दिए जाए, जी हाँ झंडे गाड़ दे, इससे बंदे को नाम मिलेगा, और बंदे जब मेरा नाम सुनेंगे, देखो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ लाइक्स लेने की, देखो जैसे जहाँ पे भी आप किसी को किल करो वहाँ पे झंडा गाड़ दो और आगे बढ़ जाओ, जैसे कोई बंदा आपका नाम सुनेगा और अगर आपने उसको तोके में किल कर देना तो भाई एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बंदा आपके आपको पक्का लाइक देके जाएगा, तो ये एक अच्छी टेक्निक है लाइक्स लेने की, तो मैं भी ये करता हूँ, जहाँ पे किसी को किल करता हूँ वहाँ पे झंडा गाड़ के चले जाता हूँ आगे, और बंदा अगर तुक्के में मान लो मैंने इसको किल भी कर दिया तो यहाँ पे वो हो जाता है। इसके बाद एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो मेरे पास शॉटगन बुलेट्स काफ़ी कम है, मैं आपको बोलने वाला था बट यहाँ पे मैं झंडे की बात करने लग गया, कभी भी यहाँ पे आप जिप लाइन पे जाओ तो ग्लू वॉल पक्का लेके चलो हाथ में आगे से, ताकि कोई बंदा आपको किल ना कर दे भाई, क्योंकि बंदे आगे से बहुत ज़्यादा शॉट देते हैं इस रेंज पे, जहाँ पे मैं जिस रेंज पे मैं नाच रहा हूँ, तो इस रेंज पे जहाँ पे मैं झूले झूल रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे किल करते हैं ऐसे करके, तो इससे थोड़ा सावधान
रहे और यहाँ पे हाथ में ग्लूवाल लेके चले ताकि आप नीचे गिरो भी तो ग्लूवाल लगा दो और उससे बच जाओ। तो देखते हैं यहाँ पे कोई और प्लेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तो सेंट्रल में कोई ना कोई प्लेयर तो होना चाहिए भाई, क्योंकि काफी लंबा सर्वाइव करते हैं कई बार प्लेयर अगर यहाँ पे जोन मिल जाते हो। और कई सारे कैंपर्स होते हैं और वैसे भी रैंक मैच है तो मेरे ख्याल से कैंपर्स तो मिलनी चाहिए यार। ऑफकोर्स सी बात है कैंपर्स मिलनी चाहिए क्योंकि भाई क्लासिक मैचेस में सभी के सभी रशर मिलते हैं, किसी को रैंक से परवाह नहीं होती, बट रैंक मैचेस में तो मिलनी चाहिए यार रशर्स यार जो हमको मारे आकर के अच्छा खासा चैलेंज दे। अभी तक जितने प्लेयर मिले मुझे जहाँ तक सारे के सारे नूबड़े लग रहे थे। मेरे ख्याल से मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए यहाँ पे ऐसी पोजीशन में, तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई थंबनेल के लिए, क्या पता थंबनेल के लिए काम आ जाए या फिर इसी का थंबनेल बना दूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई यहाँ पे मैंने इसका थंबनेल बनाया था नहीं बनाया था। और हाँ, अगर आप लोगों को इस चैलेंज में कोई भी खास बात लगी तो भाई मुझे कमेंट पक्का करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का एक एक कमेंट को मैं रीड आउट करता हूँ, पढ़ता हूँ और उसके रिगार्डिंग फीडबैक लेता हूँ। आप लोगों का काफ़ी लंबे से टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यहाँ पे चैलेंजेस करो, तो मैं चैलेंजेस कर रहा हूँ। अब आप मुझे कुछ और करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी करूँगा। बस आप लोग कमेंट करो तभी तो आप लोगों की बात मेरे तक आएगी, आप लोगों का फीडबैक आएगा, तभी तो मैं आगे और भी चीज़ें कर पाऊंगा। यहाँ पे मैंने 8 किल भी कर दिए, मुझे पता भी नहीं चला। लोल यहाँ पे बचे मेरे टोटल 11 बंदे, अभी देखते हैं 11 बंदे हमारा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमने ले लिया गाड़ी और मैं अभी तक गाड़ी यूज़ नहीं कर रहा था, अवॉइड कर रहा था, बट यहाँ पे भी राइट नाउ गाड़ी लेना काफ़ी सही रहेगा। तो यहाँ पे गाड़ी लेके निकलते हैं क्योंकि देखो यार यहाँ पे मुझे नहीं पता कि बंदे कहाँ पे और जोन काफ़ी बड़ा है, 11 बंदे और जोन भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे गाड़ी लेके घूमना काफ़ी सही रहेगा बंदों के और करीब और जल्दी जाने के लिए ताकि मुझे और ज़्यादा किल मिल सके। वैसे भी मैंने अपना तो लगभग चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, मैंने 6 किल के लिए बोला था, यहाँ पे मैंने 8 किल कर दिए लोल, तो चैलेंज तो लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। बट अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सामने एक बंदा मिल रहा है, इसको गाड़ी से कुचलने की कोशिश करूंगा। अरे थोड़ा सा रह गया यार भाई, और इसके हाथ में मुझे मिल रही है शॉटगन और मेरे हाथ में है कार। और यहाँ पे देख लीजिए क्या भाई क्या हेडशॉट था गाइस। तो अभी मेरे को यहाँ पे मैंने आलोक तो यूज़ कर लिया, बट मेरे को गाड़ी लेके निकलना चाहिए पहले। मुझे यहाँ पे ऊपर में हिल नहीं मारनी है, मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा मुझे मारेगा क्योंकि वहाँ पे 2 बंदे और ऑलरेडी बैठे हुए हैं, UAV में 2 बंदे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ना कोई हमको किल कर देगा, इसलिए मैं चुपचाप इस झोपड़े के अंदर आ जाता हूँ, मतलब ये जो भी हो घर के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे जाके हिल मारता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा वहाँ पे ताकि मुझे ज़्यादा सेफ्टी मिले। और उस बंदे की मुझे लूट लेनी है, क्यों? क्योंकि हम लोग यही चैलेंज है। जे यार मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे पहली बार किसी चैलेंज को करते टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जो बंदे मेरे को देख रहे होंगे मुझे भोंदू कह रहे होंगे या फिर पागल कह रहे होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जितने बंदे मेरे को सस्पेक्ट कर रहे हैं ना वो लोग कह रहे होंगे भाई कैसा पागल इंसान है भाई, ये बार बार मैं वेपन गिराता है फिर वही वेपन उठा लेता है। अरे लोल वही वेपन कॉम्बिनेशन हमें दोबारा से मिल गया, और देखते हैं अभी स्कोप कौन सा मिला, 4x मिला स्कोप भी, वाओ यार सेम वेपन कॉम्बिनेशन सेम प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास भी, वाओ मतलब आसपास के दोनों के दोनों प्लेयर्स का सेम कॉम्बिनेशन लोल। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 बंदे हमको देखने को मिले थे, तो इस वाले घरों की तरफ को निकलते हैं कि क्या हम दोनों बंदों को किल करेंगे या फिर वो हमको मार देंगे, देखने की बात है गाइस। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और यहाँ पे भी देखते हैं आगे, इसी घर के अंदर थे मेरे ख्याल से प्लेयर्स और आई थिंक सो अभी भी यहीं होंगे वो लोग। थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं भाई, डर तो अभी भी लग रहा है क्योंकि 2 प्लेयर्स से कहीं टीमिंग ना कर रहे हो, क्योंकि कई बार रैंक मैचेस में टीमिंग करने वाले बंदे भी मिलते हैं। और मैंने गलती से फायर कर दिया, बहुत गलत चीज़ करी मैंने, और सामने बंदा इसको पड़े शॉट और मैंने लगाया यहाँ पे ग्लू वॉल और लोल। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, अरे भैया आप क्या कर रहे हो, अरे भैया गोली मारो, अरे क्या ऐसा इंसान है भाई, क्या नूबड़ा इंसान था भाई ये, भाई गजब मतलब हद होती है हद। ये बंदा पीछे से मार रहा है, ओ बंदा बहुत हरामी है भाई, यहाँ से पीछे से मार रहा है, ओ भाई आजा तू आजा तेरी तो खबर लूँ मैं, ये ले गोली खा लोल बंदा बहुत हरामी था, बंदा बहुत तेज चल रहा था, बट हमें अफसोस इतने अच्छे वेपन कॉम्बिनेशन को भी गिराना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमें लेना पड़ेगा नया कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं नया कॉम्बिनेशन के अंदर में किस तरीके के वेपन देखने को मिलते हैं और किस तरीके के वेपन नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी आई होप आपको चैलेंज पसंद आ रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे चैलेंजेस करने में, मतलब हर गेम में बोलना पड़ा यार इस तरीके से, मतलब 15-20 गेम इस तरीके से पागलों की तरह 15-15-16-16 मिनट बोलो भाई, पागल हो जाता है इंसान यार। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो अप्रिशिएट करो यार इन एफर्ट्स को, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे चैलेंजेस कंप्लीट करने में, वो भी और लाइव बात करना यार बहुत मुश्किल है भाई, मतलब इसके लिए ना मैंने करीबन 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर डाली लोल यार, और उसमें मुझे 16-17 मिनट की एक क्लिप मिलेगी। बट यहाँ पे देख लीजिए यार 11 किल कर चुका है तुम्हारा भाई, 11 किल कम नहीं होते भाई ऐसे चैलेंज करते टाइम पे, और इतने खतरनाक चैलेंज करते टाइम पे 11 किल लोल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे मुझे कोई मारेगा, क्योंकि भाई बहुत ओपन है और यहाँ पे कहीं पे मुझे सेफ जगह नहीं मिल रही है, खाली ये टावर है और नीचे की तरफ में वो थोड़े बहुत घर और बाकी हमारा सेंट्रल है, बाकी नेक्स्ट जोन बन चुका है। नेक्स्ट जोन में, अरे लोल नेक्स्ट जोन में वो नीचे वाले घरी पर्चे में, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मुझे सामने एक बंदा नजर आया, जी हाँ सामने एक प्लेयर है, उस पर एम लेता, अरे लोल इसके पास तो 4x, अरे इसके पास तो स्कोप ही नहीं है, अबे भाई क्या गंदा कॉम्बिनेशन बना के रख रहा बंदे ने यार, बिल्कुल भी लूट नहीं कर दी, मतलब कि मतलब इसने शॉटगन उठाई अच्छी बात है, स्कारल भी उठाई, बट स्कोप तो उठा लेता कहीं से यार,
तेरे चक्कर में मेरे को ये चीज झेलनी पड़ेगी भाई, मैं मरूंगा ना भाई, तू होगा मेरी मौत का जिम्मेदार। तो भाई लोल, यहाँ पे एनिमी ने बहुत गलत किया मेरे साथ। यहाँ पे वो बंदा भी सामने एम लेके बैठा हुआ, वो मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पे खेल रहा, लगातार जूम इन जूम आउट मार रहा काफी तगड़ा तरीके से। तो कोई नहीं, बाकी हम लोग तो उसको चकमा देके यहाँ पे बैठ चुके हैं। मेरे ख्याल से उसने मुझे अभी तक स्पॉट नहीं करा होगा, अभी तक किसी और ने भी मुझे स्पॉट नहीं करा होगा, शायद मुझे यहाँ पे कोई और स्पॉट करे भी ना, क्योंकि मेरे को लगता है जितनी फाइट होंगी सारे के सारे ऊपर की साइड होंगी, ब्रिज की साइड में। बट अगर कोई यहाँ पे मेरे को मारता है तो भाई बहुत दुख होगा मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन है, बट मैं नीचे की साइड बैठा हूँ जिससे मुझे थोड़ी सेफ्टी मिलनी चाहिए। बट अगर मेरे को सेफ्टी नहीं मिली तो गाइज मेरे साथ हो जाएगा एकदम बहुत बड़ा लोल। तो गाइस देखते हैं, अभी ऐसा करता हूँ ना, ट्राई करता हूँ उस बंदे को किल करने की विदाउट स्कोप, देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है यार। और सच बताऊँ ना, आउट ऑफ रेंज रहना वेपन का बहुत खतरनाक है, क्योंकि भाई जितना आप यहाँ से 20 का डैमेज दे रहे हो, वहाँ पे जाके 5 का डैमेज पड़े तो बहुत गलत बात है। किसने मारा? और यहाँ पे मैंने ग्लू वॉल लगाया, ग्लू वॉल भी नीचे, लोल यार गाइस क्या है ये, चल क्या रहा है गाइस ये। तो यार यहाँ पे इस बंदे ने मेरे को किल कर दिया, और यहाँ पे इसने पूरा फायदा उठाया मेरी उस ग्लू वॉल का, और यहाँ पे उसको अभी भी लगा कि वहीं पर कोई और प्लेयर भी है। आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आएगा, अगर आपको चैलेंज पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैंने पूरी कोशिश करी, लगभग हमने चैलेंज कंप्लीट कर लिया, बाकी इन बंदों ने बस लास्ट में पता ही आप लोगों को क्या किया। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा गाइस।